आज हमारे साथ पाकिस्तान की माया नाज एक्ट्रेस बैठी हैं, वो औरत जफरी खान पार्ट टू हैं। वो झुकते इस तरह करती हैं कि जो आगे कॉमेडियन होता है वो उसका मुंह ऐसे होता है। आप झुकते क्यों करती हैं? आप इंटरव्यू क्यों करते हैं? मर्दाना ताकत है। आप छोटे से थे, मैं आपकी जिपें बंद करती थी स्कूल में जाके, स्कूल में आया करते थे, मैं टीचर थी आपकी, सारी जिंदगी साड़ी हुई है, सी ना करिए ताड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। आज हमारे साथ पाकिस्तान की माया नाज एक्ट्रेस बैठी हैं, जिनका मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं। जफरी खान साहब के बाद वो औरत जफरी खान पार्ट टू हैं। वो झुकते इस तरह करती हैं कि जो आगे कॉमेडियन होता है वो उसका मुंह ऐसे होता है। ये झुकते कहाँ से सीखी और ये झुकते क्यों करती हैं? औरतें डांस करती हैं लेकिन ये डांस करती हैं या झुकते भी करते हैं? तो हमारे साथ बैठी हैं पायल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम पायल जी। वालेकुम अस्सलाम जाहिद जी। पायल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप झुकते क्यों करती हैं? झुकते हैं क्यों करती हूँ? आप इंटरव्यू क्यों करते हैं? मैं इंटरव्यू करता हूं ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि ये पायल चौधरी है और इनकी शख्सियत कैसी है, ये कैसे फील्ड में आई है, इनके कुछ सवाल हैं उनके जवाब लेने के लिए। मैं भी झुकते इसीलिए करती हूं ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरे अंदर टैलेंट है झुकते करने का भी, मर्दाना ताकत है। अच्छा, आप में मर्दाना ताकत है, आप इसीलिए झुकते करती हैं। तो निशाना बिशाना चलना चाहिए ना औरतों को, फिर ही मर्दों को पता चलेगा कि औरत भी कोई है। नहीं, आप शाना बशाना नहीं, आपने मर्दों को काटा हुआ, आप शाने से ऊपर निकल चुकी हैं, आपको पता है इस बात? हाँ जी, आपको पता है, लेकिन आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, आप भी एक मर्द हैं। नहीं, आप एक औरत हैं, आप डांस करें, आप शर्माएं। नहीं, आपको कोई शक है कि मैं औरत हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है आपको पता नहीं चल रहा। मुझे दुख इस बात का कि इतनी झुकते हम नहीं करते, हमसे ज्यादा आप करती हैं, आप कॉमेडियन का हक खा रही हैं। नहीं, मैं हक खा रही हूँ कॉमेडियन का? अब तो बहुत सी लड़कियां जो है वो मुझे फॉलो करती हैं, झुकते लगाने की कोशिश करती हैं, तो वो नहीं मेरा हक खा रही। कितना अरसा होगा टोटल आपको थिएटर में? मुझे 8 से 10 साल हो गए थिएटर लाइन में, और 3-4 साल तो स्ट्रगल में ही गुजर जाते हैं। 8 से 10 साल इसलिए बता रही हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा ना लगे, कि आप कहें कि मैं पुरानी हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप छोटे से थे, मैं आपकी जिपें बंद करती थी स्कूल में जाके? ओहो, नहीं, ये कह लें आप हैं। देखें नाजरीन, यहाँ भी झुकते शुरू। बटन सही किया करती थी जब छोटे, स्कूल में आया करते थे, मैं टीचर थी आपकी, है ना? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल में आपकी टाइयां लगाया करती थी जब छोटे से थे, चुन्ना मुन्ना आओ जल्दी से स्कूल, है ना? आप मरासन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो नहीं थे लेकिन अब हो चुके हैं। पहले आप मरासन नहीं थे, अब हो चुकी हैं। और कितनी औरतों को मरासन बनाएंगी? पहले तो हम चौधरी थे खास, अब चौधरी मरासी हो गए। आप पहले चौधरियों की फसलों पे कनक उगा करती थी, प्याज उगा करती थी, अब ढोलकियों उगती हैं। ये थे हमारे चौधरी साहब। आप किससे मुतासर हैं इस टाइम थिएटर इंडस्ट्री में जो फीमेल है? जिससे मैं मुतासर थी वो तो फील्ड छोड़ गई हैं, तो मेरे ख्याल से अब कोई ऐसी आर्टिस्ट नहीं है जिससे इंसान मुतासर हो सके, तो ये है कि मैं अपने आप से बहुत मुतासर हूँ। होना चाहिए, इंसान वो कामयाब है जो अपने आप से मुतासर हो। जो फील्ड छोड़ गई, आप मैडम नरगस का नाम लेना चाहेंगी? जी जी, ऐसे ही है, मैडम नरगस हैं, दीदार हैं, मेघा जी हैं, जो जिन्होंने बहुत काम किया, अपना नाम मनवाया है इस फील्ड में, उनसे मैं बहुत मुतासर हूँ। अच्छा, अगर पायल चौधरी एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? तेरी भैन होती? नहीं नहीं, ये सवाल देखिए मैं आपको बहन कह देता, लेकिन आप प्यारी इतनी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको नहीं कहूँगा। अगर मैं आपको बहन कहूँगा तो आपने मेरी माँ बहन कर देनी। नहीं, सारी जिंदगी साड़ी हुई है, सी ना करिए ताड़ी। सिर्फ सारे बदले मुझसे लेने आप? आपसे? हाँ, मैं सबसे लूंगी। अच्छा ये बताएं, इस वक्त जो आर्टिस्ट ना होती तो साइंसदान होती, डॉक्टर होती। साइंसदान होती तो क्या इजाद करती मैं?
आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप बहुत अजीब सी चीज़ें ईजाद करती। हाँ, अगर साइंसदान होती तो ज़ाहिर है मैं भी कोई अच्छा ही काम कर रही होती, जैसे जहाज जो है वो ईजाद हुआ है और टेलीफोन ईजाद हुआ है। आप क्या ईजाद करती? नई ठुमके ईजाद करती, नई जुगत ईजाद करती। ज़ाहिर है फिर फील्ड के हिसाब से ही है ना। ये आपने एक नई चीज़ ईजाद जो की हुई है कि आप जब थिएटर पर जाते करती ठा ठा आठा आठा ठा ठा ठा, ये फायरिंग, ये असला आप कहाँ से लेती? ये असला जो है ना, मैंने खुद ही अपना तैयार किया हुआ है। इसे जो लोग जख्मी हैं उनका आपको एहसास है? नहीं, इसे कोई जख्मी नहीं होता, एंजॉय करता है। अंदरूनी जख्मी होते हैं आपके फायर पत्र हैं जो मेरे चाहने वाले हैं। जब मैं ये फायरिंग करती तो बड़ा उन्हें अच्छा फील होता है। अच्छा नहीं होता? जब रात को सोते हैं वो आंखें बंद करते हैं ठा ठा, उनको खराटे नहीं आते, ठा ठा की आवाज़ें आती हैं आप जब फायरिंग करती हैं? ऐसे ही है। अब अलहमरा में मैं प्ले कर रही हूँ तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये ठा ठा नहीं करनी, भड़के नहीं लगानी, तो वो उस लिहाज से मैं नहीं कर रही ना ये, तो लोग जो है ना वो बड़े जो है ना वो कहते हैं कि ये कब करोगी, ये क्यों नहीं कर रही डस डस डस। और तुझे मैं सामने कौन हूँ? समझ आ, मन कर ली। मुझे लगता है मुझे आपको साले जाना पड़ेगा, आप कह देना ना। नहीं, आप साथ खड़ा जाने, आप ऐसे करें आवाज़ ना निकालें, ऐसे करते हैं इस तरह सब क्लियर हो जाएगा। अभी हमने ठाठा भी नहीं की और लोगों को तो पता है कि इसका मतलब ठाठा ही है। हाँ यार, क्या बात है, आपने क्या आइडिया दिया मुझे। वाह, और ये अगले शो पे आप कन्फर्म करेंगे? यह अच्छा पायल चौधरी, डांस आपने सीखा? जी बिल्कुल, मैंने डांस सीखा और बड़ी मेहनत से सीखा है, कि अल्लाह का करम है कि, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो काम सीखना चाहते हैं उन्हें फिर भी नहीं आता, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे काम मैंने सीखा है, मुझे आया भी, लोगों ने लाइक भी किया। अच्छा, अब थिएटर में सीनियर जूनियर की इज्जत ख़त्म होती नज़र आ रही है, इसमें आप क्या कहेंगे, सीनियर का कसूर है वो इज्जत करवा नहीं रहा या जूनियर का कसूर है वो इज्जत कर नहीं रहा, किसे ब्लेम देंगे आप? मैं तो यही कहूँगी, ब्लेम किसी को भी नहीं मैं दूँगी, क्योंकि अफरा तफरी का दौर है, अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है सीनियर मानने का जूनियर मानने का। अब तो लोग जो है ना वो फास्ट चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीनियर क्या है, हम इससे ज़्यादा सीनियर है, हमें इससे ज़्यादा काम आता है, हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है कि सीनियर की इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो नहीं करता वो बेमुराद ही रहता है। टीवी किया आपने? टीवी हाँ जी मैंने किया था PTV पे, अफसरे बेकारे खास। उसके बाद? उसके बाद नहीं किया। अगर आज आपको टीवी पे अच्छी ऑफर हो तो आप एज ए कॉमेडियन काम करेंगी, एज ए एंकर काम करेंगी, एज ए होस्ट काम करेंगी, एज ए एक्टर काम करेंगी, आपके मिजाज में क्या है? मेरे मिजाज में यही है कि एक्टर वही होता है जो सलाहियतें रखता हो हर काम करने की, हर फन को अपने अंदर समेटने की। अगर मुझे कोई एंकर कहेगा मैं एंकर करूँगी, अगर कोई कॉमेडियन कहेगा तो कॉमेडियन करूँगी, अगर कोई सीरियस कहेगा तो सीरियस करूँगी। नहीं, टीवी में आपको हम कॉमेडी नहीं करवाएंगे, नहीं तो आपने तो अगले बंदे की ला पा के हाथ में रख देनी। हम इतनी मुश्किल से गेस्ट हायर करें तो आप कहें ऐदा मुंह वेख लो जैसे पुराना लूटा होता है। वो गेस्ट बेचारा मुंह वेखता भी ऐ केड़ी एंकर है जिन्हें मेरी की है ना। ऐसे ही जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन ये है कि जब किसी को मौका मिलता तो कट कोई भी नहीं करता। कट कोई नहीं करता। अच्छा पायल जी, आउट ऑफ कंट्री आप गई? नहीं, मैं नहीं गई अभी। आप बाहर के किसी ममालिक में नहीं गई? नहीं। ये गहरत वाली बात है, दुख वाली बात है? नहीं, ये दुख वाली बात नहीं है, मुझे अपने पाकिस्तान से इतना प्यार है कि इसकी मिट्टी को छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता। लाहौरिये हैं वो, इतने जिंदा दिलान हैं कि उनको छोड़ के हम कहाँ जाएं। पाकिस्तान से प्यार नहीं, मैंने पाकिस्तान को लूटा ही इतना, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। जाहिर है पाकिस्तान से ही हमें इतना मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है भाई, इतने दुबई लगा। हाँ ऐसे ही है। अगर आपको बुलाया जाए बाहर शो के लिए, अक्सर थिएटर की लड़कियां बाहर जाती हैं, आपको अगर ऑफर अच्छी की जाए कि आप दुबई जाएं बाहर में या और ममालिक जाएं, आप जितनी आपकी डिमांड उससे हम दोगुना ज़्यादा देंगे, तो आप जाएंगी? जाहिर है अगर आप इतना कहेंगे तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी।
लो जी मन की जी कुड़ी हूँ अगला बंदे की है जड़ा मर्जी लै जाए असी तो मना लीजिए भाई अक्सर जाती है ना मैंने कहा इसीलिए हैरत वाली बात है कि आप जिस जगह पे हैं इतनी आपसे बहुत जो नीचे वाली जगह वो आठ आठ चक्कर लगाई और आप नहीं गई आउट ऑफ कंट्री। एक्चुअली मेरी मदर जो वो बहुत बीमार थी तो उनकी तीमारदारी में मैं लगी रही, फिर मैं भाई नहीं गई, वो भी चाहती थी कि जो है ना मेरे से दूर ना जाओ, तो फिर इसलिए मैं नहीं गई बाहर। अब यह है कि अगर चांस मिला तो फिर ज़रूर जाऊंगी। शादी की आपने? नहीं अभी शादी की क्या ज़रूरत है, आपको लगता है शादी करनी चाहिए? नहीं जब अगर कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई अच्छा लड़का जब भी मिले तो छोड़ देना चाहिए उसे फौरी पकड़ लेना चाहिए। आजकल के दौर में अच्छे लड़के बहुत कम आते हैं। हो आप जैसे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे मैं आपसे गेम खेलना चाहता हूँ, रैपिड फायर उसका नाम है। अच्छा, उसमें ये होगा कि मैं जिस चीज का फायर आप भी करना चाहते हैं जैसे मैं करती हूँ डस 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 फायर है नहीं मेरे पास इतना असल है डस डस को रैपिड फायर कर लिया वैसे एक दफा मैं चाहूंगा कि वो जरा डस डस करके तो दिखाए। अच्छा जी हमारे व्यूवर देखना चाहेंगे कि पायल चौधरी जब जाती है तो किस तरह करती, बैठ के ही खड़े होकर करेंगे तो शायद कोई छत छूती ना हो जाए, यहीं बैठ के किस तरह करती है उस सेट पे जाके ये आठ दस मिनट लग ही रहे हैं ताकि पब्लिक देखती रहे। आप रिपीट करते रहना मेरी डस डस देख रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं आप। लेकिन जहां मौका मिले एंकर का भी हक है वो एंजॉय कर ले। अच्छा रैपिड फायर मैं आपसे गेम खेलूंगा कि मैं जिस चीज का नाम लूंगा सबसे पहले आपके जहन में जो ख्याल आएगा आपने वो बताना है। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर। शेख रशीद, सिंगार। इमरान हाशमी, लिपस्टिक का चोर। बड़ी ही आपने सुलझे हुए तरीके से उसके बताया आपने। कराची, समंदर। बारिश, सुहाना मौसम। पैसा, टेंशन। पैसे से टेंशन हल होती है खत्म? टेंशन किस लिए, पैसा तो खुशी की चीज है। नहीं पैसा जब इंसान के पास होता है तो बड़ी टेंशन होती है क्योंकि अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। दोस्त, दुश्मन। फैन, गड्डी। जाहिर है मोबाइल भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। हाँ घर या गड्डी हो सकता है। फैन, गड्डी, प्लाट, घर। फैन, लाखों के ड्रेस। लाखों के ड्रेस, गोल्ड की ज्वेलरी। गोल्ड की एनी तरह जितना फैन, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। मुर्गी, अंडा। अच्छी बात है। शेर, गीदड़। खूबसूरत, बदसूरत। यंग मैन, ओके ठीक है। पाल जी बहुत मज़ा है आपके साथ गुफ्तगू करके, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आपको गुस्सा आता नहीं या आप शुरू से ही एक धीमे मिजाज की? नहीं मुझे गुस्सा आता भी है लेकिन यह है कि जैसे मैंने कह देना है ना डायरेक्टर को वैसे ही होना, इसलिए जो मैंने कहना है वही होना। आपको पता आपकी प्रोड्यूसर हो, आपको पता आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। अच्छा आपको अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है। कह सकते हैं ये ले लें आप। अच्छा एक मैं आपका नाम लूंगा आपके जहन में क्या आता है मुझे बताइएगा। असलम। ये नाज़रीन ये हमारी एक जाती बात है, मुझे बताएं। असलम। पायल। मैं क्या कि मरासी। क्योंकि जितनी वो बंदा झुकते करता ना मैं उसे बहुत तंग हूँ। नहीं असलम बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेहरबानी। टुडे डिजिटल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक कर रहे हैं दिन को भी रात को भी, ये ज़रूर जल्दी कामयाब होगा। बहुत समझदार ये लड़की हैं, ये किसी तरफ से हमें पकड़ाई नहीं देंगी। और टुडे डिजिटल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका एंकर जाहिद खान, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते एक नए गेस्ट के साथ एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।